सर नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से आपको वादा किया था कि बुंदेलखंड राज्य जल्द ही बनेगा, वो आखिरकार क्यों चूक हो गई? बुंदेलखंड राज्य अभी तक नहीं बना। आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे हो बुंदेलखंड राज्य बनाकर। हम जानना चाहते हैं आपसे आखिरकार क्या क्या सुविधाएं बुंदेलखंड के आम जनमानस को सुविधा होगी अगर बुंदेलखंड राज्य बन गया तो। देखिए, आपने जो सवाल किया कि बुंदेलखंड राज्य क्यों नहीं बना, तो इसमें निश्चित तौर पर जो भारत सरकार में जिसकी भी सरकार रही है दिल्ली पर, उनकी उपेक्षा का परिणाम रहा कि बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया तो यहाँ उमा भारती जी ने ये सबसे कहा कि हम भगवान राम राजा की कसम खाते हैं, हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी कसम को निभाया नहीं और 27 अप्रैल 2014 को लोकसभा की ही एक चुनावी रैली में उमा जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने भी ये कहा था, वो थे मंच पर मौजूद झांसी में, कि हम बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वादा खिलाफी की। यही कारण था कि जब अगला लोकसभा चुनाव आया तो उमा जी झांसी से चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि बुंदेलखंड की जनता इसका जवाब उन्हें देगी। दूसरा सवाल आपने किया कि क्या लाभ होंगे, तो लाभ में जो भी राज्य के कर होते हैं, जितने टैक्स होते हैं हमारे राज्य सरकार के, वो सारे टैक्स अभी हमारे लखनऊ और भोपाल की सरकारों को प्राप्त होते हैं। इसके बाद वो ये तय करती हैं कि ये पैसा हम कहाँ लगाएं, बुंदेलखंड में लगाएं, बुंदेलखंड में ना लगाएं। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिस पैसे से अपने गांव में सेफई में हवाई अड्डा बनाया, ये टैक्स इतना सेफई से थोड़ी आया होगा, ये बुंदेलखंड का पैसा था। उन्होंने अपने गांव में एम्स बनाया, तब एक मुख्यमंत्री की हैसियत से ये भूल गए वो कि इतने बड़े बुंदेलखंड के भूभाग में, बुंदेलखंड की जितनी आबादी है दुनिया के 163 देश छोटे हैं, जितनी जमीन है हम पे 103 देश छोटे हैं हमसे, लेकिन हमारे पास हवाई अड्डा नहीं है, हमारे पास एम्स जैसा अस्पताल नहीं है, हमारे पास सिंचाई नहीं है, हमारे यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 0 बजट का विश्वविद्यालय है। मैं तो धिक्कार उन विधायकों पे 19 के 19 जो ये बात आज तक विधानसभा में नहीं कह पाए कि हमारे यहाँ का बच्चा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पढ़ेगा कैसे इतनी महंगी फीस देकर। तुम जनता की तरफ से चुन के जाते हो कि जनता की बात रखोगे वहां, लेकिन विधायकों से हमें बहुत नाउम्मीदी हुई, बुंदेलखंड की बात नहीं की उन्होंने। तो जब राज्य अगर बन जाएगा तो जो राज्य सरकार के टैक्स होते हैं तब वो बुंदेलखंड में आएंगे, वो बुंदेलखंड की सरकार उनको निश्चित तौर पे कहीं भी लगाए बुंदेलखंड में खर्च होगा। जो दिल्ली सरकार के टैक्स हैं सेंट्रल के, वो टैक्स भी दिल्ली सरकार लेने के बाद उसका 42% राज्य सरकार को देती है, वो पैसा भी हमें प्राप्त होगा। अभी जो हमारे हिस्से का पैसा है वो हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ सारी परेशानियां हैं, सिंचाई नहीं है, स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं हैं, रेल लाइनें नहीं हैं, तो आज़ादी का वो लाभ हमें नहीं मिल पाया जो लाभ हमें मिलना चाहिए था। तो ये लड़ाई शुरू हुई है, जनता धीरे धीरे हमारे साथ आ रही है और निश्चित तौर पे जनता जागरूक होगी और आने वाले चुनावों में जनता ये दिखाएगी कि वो बुंदेलखंड के मुद्दे पर हमारे साथ है। और निश्चित तौर पर जनता से हम आह्वान करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने तो अपनी इस चाहत को वोट के रूप में निकालिए। आप बुंदेलखंड के नाम पर वोट देंगे तो बुंदेलखंड राज्य जरूर बनेगा। बुंदेलखंड के विकास का रास्ता केवल और केवल एक है, वो है बुंदेलखंड राज्य। धन्यवाद।